बिहार से हलचल की खबर, जहां कानून मंत्री कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया है। ये वही कार्तिक कुमार हैं जिन्हें सरेंडर करना था, तो उसी दिन बिहार में ये मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। कार्तिक कुमार को लेकर विवाद लगातार बढ़ता हुआ चला गया, तो अब बिहार सरकार होश में आई है, नींद से जागी है। कार्तिक कुमार को कानून विभाग से हटा दिया गया है, लेकिन सिर्फ मंत्रालय की ही जिम्मेदारी नहीं हटाई है बल्कि बदली गई है। एक तरीके से कहने की दूसरा विभाग दे दिया गया है। कार्तिक कुमार को गन्ना और उद्योग विभाग दे दिया गया है, और अब शमीम अहमद कानून मंत्री के रूप में बिहार में कानून व्यवस्था सुधारते हुए या फिर संभालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक के बाद एक घटनाएं बिहार में भी सरकार पर सवाल उठा रही हैं, जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरों को देखते हुए बिहार सरकार बार बार सवालों के घेरे में आ रही है, और खुद कार्तिक कुमार को अगर कानून मंत्री बना दिया गया तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक सरकार का माना जा रहा था। लेकिन अब चूंकि एक तारीख तक वो समय दिया गया था कि कानूनी कार्रवाई मतलब पुलिस की कार्रवाई रोकी जा सकती है, लेकिन एक तारीख के बाद पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, और बिहार सरकार ने इसी फजीहत से बचने के लिए हो सकता है कि अगर आने वाले वक्त में कार्तिक कुमार के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन लेती है तो कानून मंत्री का टैग कहीं कार्तिक कुमार के साथ ना चिपका रह जाए, और इसीलिए बिहार सरकार ने इस फजीहत से बचने के लिए समय रहते कदम उठा दिया है। हालांकि ये भी कदम गलत कहा जा रहा है, और अलग अलग तरीके से टिप्पणी आलोचना इस पर हो रही है। अनन्या, यहाँ कार्तिक कुमार का सिर्फ विभाग बदला गया है, अभी भी बिहार सरकार ने पूरी तरीके से सबक नहीं लिया है। जो चर्चा जो विवाद पहले थे वो अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से रचना अगर हम बात करें, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की महागठबंधन की सरकार, नई नई सरकार और चुनौतियां तमाम, क्योंकि जैसे ही सरकार सामने आई, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने गठबंधन किया और सरकार बनाई, उसके बाद ही बीजेपी किस तरह से लगातार तमाम सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, क्योंकि दो मंत्रियों के विभाग यहाँ पर बदले गए हैं, आपको बता दें कि इससे पहले गन्ना उद्योग मंत्री शमीम अहमद थे, उनको जो अब जिम्मेदारी है वो विधि विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी कि कार्तिक कुमार का जो एक विभाग है वो शमीम को दे दिया गया है, और साथ ही जो कार्तिक कुमार है उनको गन्ना उद्योग विभाग दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, सरकार को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम चीजों को लेकर कहा जा रहा था, और इसीलिए तो अनन्या हम कह रहे हैं कि यहाँ भी पूरी तरीके से सबक बिहार सरकार ने नहीं लिया, बस आपस में जो विभाग थे वो एक्सचेंज कर दिए गए। शमीम अहमद को कानून मंत्री बना दिया गया, गन्ना उद्योग मंत्रालय अब कार्तिक कुमार संभालेंगे, लेकिन यही बिहार सरकार के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर पहले ही घेर रहे हैं बिहार के लोग भी और विपक्ष भी। शक्ति कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, ऐसी कौन सी वजह आपको समझ में आती है, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं कि देर रात आधी रात करीब 12 बजे फैसला हुआ है? जी निश्चित रूप से, जिस तरह से शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार जो है कार्तिक कुमार के ऊपर जो है लगातार बीजेपी जो है हमलावर थी, और कई मुद्दों को लेकर नेता सुशील मोदी भी जो है कार्तिक कुमार की पोल खोल चुके थे, तो इसके बाद नीतीश कुमार की जो छवि है वो अपनी छवि को जिस तरह से बनाए रखना चाहते हैं, उसको देखते हुए एक पहले ही कयास लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में जो है कार्तिक कुमार की जो है कुर्सी विधि मंत्रालय से जा सकती है, और देखिए ऐसा ही हुआ है। और आधी रात को आनंद फानंद में जो है सरकार की तरफ से जो है एक आदेश जारी कर दिया है, जिसमें जो है उनके विभाग जो है बदल के गन्ना विभाग दे दिया गया है। निश्चित रूप से जिस तरह से शपथ ग्रहण के दौरान वो उनपे आपराधिक मामले दर्ज थे, उस कहा जा रहा है कि जब आपको बता दें कि तो मामला है कि जब वो पिछले कुछ साल पहले जो है उन पर एक किडनैपिंग का मामला था जिसमें वो नामजद अभियुक्त भी हैं, और जिस दिन उनको कोर्ट में जो इसको लेकर बेल पेश होना था उस दिन वो शपथ ले रहे थे, तो बड़ा विवाद था कि कानून मंत्री होते हुए भी जो है उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी या जानबूझ के वो नहीं पहुंचे कोर्ट में, तो इस दौरान जो है लगातार। इसीलिए बिहार में जब जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी तो खबर ये कि जंगल राज की वापसी होगी, और ऐसा ही जंगल राज की झलकियां अलग अलग घटनाओं में दिख भी रही है। शक्ति आप रहिएगा।